दिल्ली के कंझाफला मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आशुतोष है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। इससे पहले 5 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सबके बीच इन सभी 5 आरोपियों को 4 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेजा गया। लेकिन इस वक्त की दिल्ली कंझावला कांड को लेकर यह बड़ी खबर है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई और क्यों इसकी गिरफ्तारी सबसे अहम और बड़ी मानी जा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की जो टीम है उन्होंने इस 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस का कहना है कि ये वही शख्स है जो कि कार का मालिक है। लोकेश ने बताया था कि उसके जीजा इस कार को यूज कर रहे हैं और ये आशुतोष वही शख्स है और आशुतोष को इस पूरे हादसे की जानकारी थी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरोपी आशुतोष के पास गए थे तो पुलिस का कहना है कि आरोपी जो आशुतोष है ये 5 आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा था और इस पूरी प्लानिंग में वो शामिल रहा है, तो इसी के चलते इस आशुतोष की गिरफ्तारी संभव हो पाई। विवेक, लेकिन 7 की बात कही जा रही है, अब 2 और का जिक्र कल किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्या ये माना जाए इस गिरफ्तारी के बाद जो आखिरी आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी जल्द हो पाएगी? बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि 7वें आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है, तो संभव है कि आज जो है 7वें आरोपी को भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है, आरोपी आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों के और शामिल होने की बात दिल्ली पुलिस ने कही थी, तो 1 की गिरफ्तारी कर ली गई है जिसका नाम आशुतोष है। 7वें आरोपी को लेकर भी जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकता है कि आज ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एक और ब्रेक थ्रू दिल्ली पुलिस के लिए इस पूरे मामले में। एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे ये पूरी की पूरी गुत्थी और उलझती जा रही है। हालांकि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि इस मामले का पटाक्षेप कैसे करें। अब कई तरह की बातें इस मामले में निकल कर सामने आ रही है। परिवार अभी भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि की दोस्त निधि के जो बयान है उससे भी एक नया कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। लेकिन ये जो आरोपी है इनकी गिरफ्तारी से साफ पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस एक एक करके उन सभी लोगों को अपने कब्जे में ले रही है जो इस मामले में शामिल रहे हैं और अब तक पुलिस की रडार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कल ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और इसके बाद किस तरह से ये 5 आरोपी, इसमें आपको 5 नजर आ रहे हैं, ये इसके बाद एक ऑटो रिक्शा के जरिए गए। लेकिन इन सब के बीच अब जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी हुई है छठे आरोपी की, जिसका नाम आशुतोष है। और आशुतोष पर आरोप है कि उसने सभी आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। उसने सभी आरोपियों को कैसे सेव किया जाए इस पर उसने पूरा जाल बुना। अब आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इन सब के बीच इस पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुल मिलाकर 7 लोग थे जो कि कंझावला कांड में शामिल थे और यह मुमकिन है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कुल मिलाकर अब 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन जैसा कि सवाल यह था इससे पहले भी आपसे कि बताया जा रहा है कि 7 कुल मिलाकर लोग थे जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। अब 7वीं गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा जा रहा है, कब तक अंजाम दिया जा सकता है और उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है 7वें आरोपी के बारे में? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 7वें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड जारी है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। आशुतोष को बीती रात जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस का कहना है कि अब उससे लगातार पूछताछ की जाएगी और आशुतोष वही शख्स है जो कि गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, किसी की गाड़ी थी और इसी से मांगकर गाड़ी जो है वो लेके गए थे। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो आशुतोष के पास गए थे, उन्होंने पूरी घटना के बारे में आशुतोष को जानकारी दी थी और आशुतोष पर ये आरोप है। यानी विवेक इसलिए हम ये बोल रहे हैं ये बड़ी गिरफ्तारी, अहम गिरफ्तारी, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद, इस वारदात के बाद ये 5 गए आशुतोष के पास, उसको बताया और फिर आशुतोष ने बचाने की कोशिश की जो आरोप लग रहा है, और ये बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है पूछताछ के दौरान, सबूत इकट्ठा करने के दौरान। बिल्कुल, पुलिस ने इस बात में साफ कहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी और आशुतोष इस मामले में शामिल रहा है,
तो आरोपियों को बचाने की कोशिश में जो इंडस्ट्री ने जो भी काम किए हैं पुलिस अभी से पूछताछ ठीक है बिल्कुल पूछताछ में कई सारे नए तथ्य सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।